किचन 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 किचन, आपको कुछ ये वर्ड सिमिलर लग रहा है, कुछ फेमिलर लग रहा है? लग रहा है मुझे किचन के बारे में काम कराना है, किचन के बारे में सोचना है। आज मैं आपको किचन के कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, बहुत सारे कलर्स देखे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, किसको फॉलो करूँ, कौन से किचन को लूँ, कौन सा कलर लूँ। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है, वेलकम टू माई चैनल वुडोफा। मैं आपको इस किचन के सारे कॉम्बिनेशंस एंड कलर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा किचन का कोई भी कलर चूज करना और अपने थॉट को एक्चुअली पेपर पे लेके आना एंड देन एग्जीक्यूट करवाना। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने डिजाइनर के पास जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है हमें किचन का कलर क्या लेना चाहिए, और हम घंटे या घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं वहां पर और हमें समझ नहीं आता कि कलर क्या लें। आपको लैमिनेट के बारे में नहीं पता होता कि लैमिनेट होती क्या है, आपको उसके मटेरियल की थिकनेस के बारे में नहीं पता, आपको उसकी फिनिशेस के बारे में नहीं पता, और आप कलर कैसे चूज़ करेंगे। तो सब कुछ पता होना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली सेलेक्ट द कलर्स। सो गाइस, अब मैं आपको किचन के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो बिफोर मैं गो कॉम्बिनेशन के अंदर डीप जाऊँ, तो आप ये समझ लीजिए 0.7 mm से लेके 1.2 mm तक की लैमिनेट्स आती हैं, और इनकी थिकनेस वैरी करती है इनकी एप्लीकेशंस के हिसाब से। सो जो किचन का फ्रंट फेशिया, मैं जनरली बोलता हूँ वहाँ पर 1 mm की लैमिनेट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रंट की लैमिनेट है तो 1 mm ही हो तो अच्छा रहेगा, अंदर की लैमिनेट 0.7 mm हो सकती है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी फिनिशेस आते हैं, कुछ मैट फिनिश होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये सारा मैट फिनिश का एक कलर पैलेट है, ये भी मैट फिनिश है, कुछ स्वेट फिनिश हो सकता है, स्वेट फिनिश में हल्का सा लाइट ऑफ टेक्सचर आता है, हाई ग्लॉस लैमिनेट हो सकता है, मार्बल लुक लाइक हो सकता है, एंड वुडन के टोन्स हो सकते हैं। तो लैमिनेट के बहुत सारे कलर के टाइप्स हैं, तो आपको ये चूज़ करना है सबसे पहले कि मुझे कौन सा लैमिनेट लगाना है। कलर तो बात की बात है, क्या मुझे ग्लॉस लगाना है, क्या मुझे मैट लगाना है, क्या मुझे स्वेट लगाना है, या मुझे कुछ और लगाना है। तो पहले आप ये चूज़ करिए, उसके बाद कलर को चूज़ करिएगा। सो अब मैं आपको सबसे पहला कलर कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ब्लैक का कलर यूज़ कर सकते हैं किचन के अंदर, ब्लैक एंड ऑफ वाइट इज़ अ वेरी नाइस कलर, और ब्लैक और वाइट कलर इज़ अ वेरी नाइस कलर। आप देख सकते हैं मैं अभी आपको किचन दिखा रहा हूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट की किचन है, हमने एक घर बनाया था तो उसमें हमने ब्लैक कलर यूज़ किया और कैसा लग रहा है। तो आपको ये सब एक्चुअल इमेजेस और एक्चुअल फुटेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ नॉट पिक्चर्स, ये हमने इन दोनों लैमिनेट्स को यूज़ करके बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसकी फील कैसे आ रही है। सेकेंड टोन ऑफ किचन कैन बी ब्राउन, जैसा आप ये देख रहे हैं, एंड इसके साथ आप ऑफ वाइट या वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। जैसे कि अभी आपको किचन दिख रही है वीडियो के अंदर, इसके अंदर हमने ब्राउन का टोन यूज़ किया है, ये वाली वो लैमिनेट थी जिसके अंदर हल्का बिट ऑफ टेक्सचर, हल्का बिट ऑफ फील आ रहा है लकड़ी के लॉक का, और ये लैमिनेट को हमने वहाँ पर यूज़ किया था। तीसरी किचन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ग्रे कलर की है। अब आपकी चॉइस के हिसाब से आप उसे ग्रे या लाइट ग्रे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क ग्रे में कोई दिक्कत ना हो तो आप पूरी किचन को डार्क ग्रे बना लीजिए, मे बी काउंटर के टॉप को वाइट कर दीजिएगा। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी किचन छोटी है तो डार्क कलर्स कम से कम यूज़ करने हैं और लाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन ऑफ किचन भी बहुत सुंदर है, तो आप अपनी पूरी किचन को लाइट ग्रे के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, या इसके साथ वाइट को भी जोड़ सकते हैं अगर आपको डुअल कलर चाहिए, अदरवाइज आप सिंगल कलर में इसको लाइट ग्रे के टोन में ले सकते हैं। पूरी किचन लाइट ग्रे के साथ विद ब्लैक काउंटर टॉप बहुत सुंदर लगती है। बैक स्लैश टाइल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ओवरऑल किचन की फील इस कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी आ जाएगी। सो गाइस, ये सारे सॉलिड कलर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर इसके मैट कलर्स, इसके टेक्सचर के कलर्स, इसके अंदर इसके रेशियो के कलर्स आते हैं। मैं प्रेफरल ज़्यादातर सॉलिड कलर्स करता हूँ, मुझे ज़्यादा किचन वो ज़्यादा सुंदर लगती है, बाकी आप यूज़ कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये एक ब्लू टोन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं किचन के अंदर। तो पूरी किचन, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये पूरी किचन हमने ब्लू में बनाई और इसके साथ सुंदर सी बैक स्प्लैश की टाइल लगा दी, तो बहुत सुंदर ये किचन की फील निकल के आई। ये लैमिनेट हम यूज़ करी उस किचन के लिए। इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा फील ऑफ डुअल कलर डालना है तो अगेन इसके साथ आप ग्रे या ऑफ वाइट दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक कलर को चूज़ करना है और कोई भी कलर अच्छा लगेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके टाइप के बारे में बताता हूँ। ये टाइप है शिमर का, शिमर जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, सो आप देख सकते हैं कि ये शिमर है, इसके अंदर थोड़ा सा स्पार्कलेस होती है, लिमिटेड कलर्स होते हैं, तो ये आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी किचन थोड़ी सी और ग्लॉस लगे या स्पार्कल आए उसके अंदर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये
वाला लैमिनेट यूज़ कर लीजिए ग्रे में, उसके साथ वाइट या ऑफ वाइट का शिमर यूज़ कर लीजिए, या प्लेन शिमर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक को यूज़ कर लीजिए वाइट के साथ, ब्लैक को यूज़ कर लीजिए ऑफ वाइट के साथ, ये भी अच्छा लगेगा। अब इसमें एक और टोन है विच इज़ थोड़ी सी वुडी है और मेटालिक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप ये डायमंड ग्लॉस बोलते हैं इसे, अगेन थोड़ा सा मेटालिक फिनिश है, ऐसा लगता है कि कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड इस तरीके के कुछ मेटालिक कलर्स यूज़ करे गए हैं। तो इसके अंदर पर ये ध्यान रखिएगा थोड़े डार्क कलर्स हैं, किचन छोटी हो तो यूज़ मत करना, अदरवाइज़ यूज़ कर सकते हो, मे बी ये कलर बहुत सुंदर लगेगा किचन के अंदर। ये कलर विद लाइट क्रीम बहुत अच्छा कलर है, विद अ लाइट क्रीम टॉप का आप काउंटर्स यूज़ कर सकते हैं स्टोन, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो दिस इज़ अ कॉपर मेटालिक कलर दैट इज़ बीइंग यूज्ड। अब मैं आपको अनदर टाइप ऑफ लैमिनेट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है मार्बल लुक लाइक। जैसा आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा मार्बल जैसा फील देता है। सो जनरली इटालियन मार्बल बर्बरी ग्रे का एक टोन है। आपके अगर इतनी कॉस्ट नहीं है इटालियन मार्बल लगाने की और आप किचन के शटर्स पे इसको मार्बल की लुक लाइक फिनिश यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर लीजिए। मे बी ऊपर वाइट या ऑफ वाइट का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए तो भी बहुत सुंदर लगेगा। पूरी किचन को मत ले लीजिएगा इसमें, थोड़ा ये ओवरबोर्डेड लगती है, तो आप नीचे का काउंटर को मेटल या फिर मार्बल की टोन में ले सकते हैं। सो गाइस ये भी एक बहुत अच्छी लैमिनेट है जिसको हम रॉक कॉन्क्रीट का फिनिश कहते हैं। कई बार क्या आप अपना रस्टिक घर बना रहे हैं तो आपको किचन अपनी रस्टिक बनानी है, तो ये रस्टिक सा टोन है, आप यूज़ कर सकते हैं पूरी किचन के नीचे बेस कैबिनेट पे और ऊपर वाइट या लाइट ग्रे यूज़ कर लीजिएगा। और ये दूसरा उसका कॉम्बिनेशन है जो कि आप यूज़ कर लीजिए अगर, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स में, मे बी पूरी किचन में मत यूज़ करिएगा, एक दो या तीन ड्रॉर्स में यूज़ कर लीजिए, एंड मे बी एक दुकट काउंटर्स ऊपर जो कैबिनेट्स हैं चिमनी के आजू बाजू वहाँ यूज़ कर लेना तो भी अच्छा लगेगा। सो गाइस ये मैट कलर का पैलेट है। जनरली मैं मैट को किचन में प्रेफर नहीं करता हूँ, हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और यहाँ पर किचन को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैट फिनिश के अंदर। कोशिश करिएगा अवॉइड करें, अगर फिर भी थोड़ा बहुत यूज़ करने का मन हो तो आप ऊपर वाले काउंटर्स पे कहीं पर, ऊपर वाले कैबिनेट्स पे कहीं पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कलर पैलेट्स हैं, अगेन मैंने अभी पीछे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन सिंगल कलर या डुअल कलर के फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरे इस वीडियो में मेरी बहुत सारी प्रोजेक्ट की किचन्स और सैम्पल आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इन 10-12 कॉम्बिनेशन से एक कॉम्बिनेशन को चूज़ करके अपने किचन में लगा लीजिए। और मैं एक और बात बोलता हूँ, लगने के बाद सब अच्छा लगता है, तो लगने से पहले का कन्फ्यूजन है, उसके बाद सब अच्छा लगेगा। थे ना कन्फ्यूज, समझ नहीं आ रहा था ना किचन में क्या करूँ, क्या कलर चूज़ करूँ, कौन सा लैमिनेट चूज़ करूँ, कुछ क्लैरिटी आई? मैंने इस वीडियो के अंदर आपको खूब सारे किचन के कॉम्बिनेशंस एंड ऑप्शंस बताए हैं, तो जब भी आप अपने दुकानदार के पास जाएं या डिज़ाइनर के पास जाएं, कुछ बेसिक थॉट्स के साथ जाना और इजी हो जाएगा किचन को चूज़ करना और किचन को बनवाना। फिर भी मुझे बताएं कमेंट्स में, आप में को कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई किचन के कॉम्बिनेशन में नहीं समझ में आ रहा है, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको आंसर करने, पर आंसर मैं तभी करूंगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लो और फॉलो करते रहो। थैंक यू।